देशात पुढच्या वर्षी लोकसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजणार आहे. याशिवाय लोकसभेनंतर राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. या दोन्ही निवडणुका महाराष्ट्रातील सर्वच पक्षांसाठी महत्त्वाच्या आहेत. त्यासाठी सर्वच पक्ष कामाला देखील लागले आहेत. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाच्या गटात अनेक महत्त्वाच्या घडामोडीला आता सुरुवात झाली आहे. गुरुवारी देशातील काँग्रेस पक्षासह इतर विरोधी पक्षाच्या राष्ट्रीय नेत्यांची बैठक दिल्लीतील 6 जनपद राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या शासकीय निवासस्थानी पार पडली. यावेळी शिवसेनेचे नेते अनिल देसाई, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल, काँग्रेसचे नेते दिग्विजय सिंह, JDU कडून अनिल हेगडे, डी राजाराम गोपाल यादव, BRSचे केशवराव, CPIMचे यलराम करीम यांच्यासह आणखी काही नेते बैठकीसाठी हजर होते. या बैठकीत EVMच्या मुद्द्यावरून चर्चा झाली. काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी या बैठकीनंतर देशात EVM बाबत संभ्रम आहे असं मत मांडलं. अनेक प्रकार के भ्रम फैले हुए हैं और इसके बारे में सिविल सोसाइटी, एमिनेंट IT प्रोफेशनल्स, प्रोफेसर्स, सब लोगों ने मिलकर अनेक प्रश्न माननीय चुनाव आयोग से पूछे थे. इस बारे में सिटीजन कमीशन ऑन इलेक्शन, जिसके जस्टिस लोकुर अध्यक्ष थे, उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके आधार पर एक प्रश्नावली पत्र के साथ 2 मई 2022 को इलेक्शन कमीशन को दी गई, रिमाइंडर दिया गया, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब माननीय चुनाव आयोग ने नहीं दिया. तर वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, आम्ही अनेक वेळा निवडणूक आयोगाकडे EVM मशीनचा दुरुपयोग होतोय हे सांगितलंय. चुनाव आयोग के सामने रखी हूं, अनेक बार हम चुनाव आयोग के पास गए हैं और उन्होंने कहा है कि जो आपका EVM मशीन है इसके द्वारा और इसका दुरुपयोग हो सकता है. और जब जब भी हमने खुद देखा और आप लोगों ने भी देखा कि जब जब भी मशीन में कोई खराबी आई हो, वोट हमेशा BJP को जाता है. तो ये भ्रम केवल राजनीतिक दलों के की बात नहीं है, ये भ्रम जनता पे फैल चुका है. पण मागील काही वर्षापासून EVM मशीनमध्ये मोठा घोळ आहे. भाजप आणि काही काँग्रेस पक्षाच्या बड्या नेत्यांच्या संगतमताने देशात EVM मशीन कार्यान्वित करण्यात आली आहे. तो ये सारा टेबल पे कॅल्क्युलेट करके BJP गठबंधन को फायदा कैसा हो इसकी खबरदारी लेकर ओपिनियन पोल वाले ऐसा खेल खेल रहे है, ऐसा दिखाई देता है. मगर मेरा ऐसा मानना है कि ओपिनियन पोल को सही नहीं माना जा सकता. ये सारा खेल है और इस खेल के पीछे EVM का खेल काम कर रहा है. EVM के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाए इसके लिए ओपिनियन पोल का खेल खेला जा रहा है. ये बहुत सारी विरोधी पार्टी के लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, यही बात सच है. असा आरोप करत भारत मुक्ति मोर्चा चे नेते वामन मेश्राम यांनी मोठा लढा उभारला आहे. EVM हैक होती है या नहीं होती है, मीडिया इस मुद्दे पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, जबकि 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्धारित कर दिया कि EVM हैक होती है. जजमेंट लिखा हुआ है, मेरे पास से जजमेंट ले लेना जिसको भी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया कि EVM हैक हो सकती है. उर्मिला जी, आप भी लिख लीजिए इस पर. आता प्रश्न इतकाच उरतो की EVM मशीनवरून आरोप करून काँग्रेस पक्षाशिवाय कोणा पक्षाचे किती खासदार वाढणार याकडे लक्ष लागून राहिलं आहे.